भीड़ हो जाएगी। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, आज 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 भीड़ नहीं आना, लोग नहीं आना। अभी मुझे सीआईडी बोल के गया, ये पाकिस्तान नहीं है, इंडिया नहीं है, सऊदी। आप हर एक को खड़ा करते हैं इधर, मैंने आपको सुना है माशाल्लाह। मैं सवाल करना चाहता हूँ, सवाल आइए आइए आज सवाल करते हैं। मुझे सीआईडी बोल के गया, भीड़ नहीं जमा, आप तो सुनते रहते हैं। अजय पीछे जाओ, पीछे जाओ, इधर नहीं आना, और भी इधर मर्दों की जगह, ठीक है, इधर और नहीं जाने का। तुम पीछे उधर 29 नंबर गेट पे जाओ, तुम लोग पीछे जाओ, उधर आ जाओ। बस यार ज्यादा नहीं आइए, पता चल दो गाड़ी आ जाए। बस बताओ भाई सर, मेरी क्या बना रहे हैं? वीडियो बनने चल रहा हूँ तो उसको भी बना रहे, बात तो करनी थी। नहीं नहीं बात करें, उसको बंद कीजिए, करें आप उसको बंद करें। आप ऑन करवाते हैं वीडियो जो देखें, एक दो साथी साथ रह जाए और साथ चले जाए। सही बात है, आप ना आना और ये वीडियो ना बनाना, ये तो हराम है, ये तो फिल्में शो नहीं है यार। उनसे पूछो वीडियो हराम है, शो है नहीं भाईजान, उनसे पूछो वीडियो हराम है। आप लंडिया में बोल रहा हूँ ना हाजी साहब, क्यों है इस जगह पर? हाजी साहब इधर आओ ना, दो साथी सिर्फ। आप सारी बातें आपने अच्छी की, हमने सुन ली साबरी। मैं पूछता हूँ, ये हदीस है ना कि मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दो, है हदीस? हाँ बिल्कुल है हदीस। हाँ नहीं नहीं, वो तो मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। आप ये देखें कि पूरे इधर जितने भी आप देख लें, आप सिर्फ ये इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं उनको आप इकट्ठा कर लेते हैं, तुर्क शेरान सारे इधर बैठे होते हैं, दुआ मांग रहे होते हैं, किसी की आपकी जरूरत नहीं होती कि आप उधर जाएँ। फिर आप ये देखें कि मेहनत कर जो लिखा है मजदूरी, इधर हमारे कितने भाई हैं, सब का कोई उनको मजदूरी नहीं देती, उनका माल खा रहे हैं। आप बताएं, मैं ये सवाल इधर कर रहा हूँ कि आप उधर क्यों नहीं आवाज़ उठाते? देखें आप देखो, कोई भी जुल्म हो जाए, महकमा है और उनका इदारा है, उनको जाके शिकायत करें, वो आपकी शिकायत दूर कर देंगे। वो और हम भी खैर नहीं, ये मौजू इधर बहुत बड़ा मौजू है। जितने इधर आप देखें, हमारे भाई इधर देखो भीख मांग रहे हैं, चले रहते हैं मेरे भाई, उस पे खुतबे भी होते हैं, ये देखो बंद कर दिया होते हैं लोग, वो उस कर रहे हैं। और हमारे लोगों का भी कुछ खामी है, उम्रे के लिए आते हैं और यहाँ मांगते हैं, भीख मांगते हैं, उनके लिए क्या करें? मैं वही तो कह रहा हूँ, उम्रे के लिए, हाजी के लिए वो आते हैं। पिछले साल मैंने एक बुजुर्ग देखा था, वो अल्लाह मेरे साथी ने बताया कि ये मेरे साथ फ्लाइट में आया और इसका इतना जायदाद, इसने खुद बताया, उसके बेटे भी यानी बहुत अच्छे ओहदे पे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, फिर भी मांगते हैं, उनके लिए हम क्या करें? तो जुल्म जहाँ भी हो, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, खुतबे में भी बताते हैं। और यार फोटो ठीक, बाकी एक ये वीडियो मुझे पसंद नहीं है। आप ये देखें मस्जिद अली और शिया कम्युनिटी, वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि इसको कहते हैं मजहबी लीडरशिप दीनी रहनुमा। ये इनका जो भी मसलक है, अकीदा है, ये जो भी है, आप ये इधर अपनी तकलीफ कर रहे हैं, इनको गाइडेंस दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये इनकी मस्जिद है ना, इनसे नस्बत है इनकी, किसी माई के लाल की जरूरत है? कोई देखें आपको कोई नज़र आ रहा है इधर खड़ा हुआ जो इनको बोले बिद्दा ये वो? तो बस मैं अब इस जगह पर खड़े होकर अपने मजहबी रहनुमाओं को, लीडरों को क्या बोलूँ कि हमारे लिए तो हमारा मस्जिद मस्जिद नबी है, हमें तो उस तरफ मुँह करके दुआ भी नहीं को मांगने देता, आए ना किसी की जरूरत है इसको रोके। ये देखें, ये आपके लिए एक मिसाल है, अल्फाज तो मैं वो इस्तेमाल करना चाहता हूँ जो हमारे ये मजहबी रहनुमा या लीडरशिप है जो हमारी, लेकिन अब ये जगह ये ज़मीन मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं वो अल्फाज इस्तेमाल करूँ। दिखाएं मुझे कोई इधर खड़ा हुआ कोई इनको रोकता हुआ, ये देखें किसी की जरूरत है? हमारे उधर नात खान जाकर उधर नात खानी करें हाँ ज़रा, या कोई पीर जाकर उधर खुतबा दे ना, या पीर खड़ा होकर लगवाए ना पाँव को आरती आरती से चूमे चाटे। ये देखें तुर्किश पूरी मस्जिद में आपको नज़र आएंगे, जिधर तक आपकी नज़र जाती है मुफ्ती टोलियों की सलाह रोज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब मुँह करके दुआ मांग रही होती है। किसी को जरूरत नहीं है कि उनको रोके, दूर तक वह घूम जाए, सिर्फ बेचारे इंडियन पाकिस्तानी मुसलमान, उनको सारा दीन बताया जाता है।
کوئی آئے نہ وہ دیکھیں سامنے سے کوئی کہے کہ کوئی گھوم نہیں رہا وہ دیکھیں کسی کی ضرورت نہیں ہے ان کی طرف منہ بھی کرے یہ دیکھیں ہمارے بیچاروں کو دھکے مارے جا رہے ہوتے ہیں